वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की आपकी बुक है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, ये आपके किस में आएगी, सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 में आएगी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और उनके सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका पेपर आपका 8 जुलाई को होने वाला है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे बताए हुए क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। और आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताती हूँ कि इनमें से भी आपको कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, जिससे आप अपना एक सेफ स्कोर अचीव कर पाओ, जिससे आप पास हो सको, ठीक है। आप यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ, इस पर क्या है, 4 यूनिट है। इसमें क्या आएगा, आपका वेरी शॉर्ट आएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बता रही हूँ, आप अगर ये कर जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत से शॉर्ट आंसर भी इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन बनता है और लगभग एग्जाम में देखने को दिखता है, वो कौन सा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हो, इसका कार्य क्या है, मतलब फंक्शंस क्या है, और मेथड्स बताइए कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। या तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अगर ये नहीं मिलता है तो व्हाट इज बैंक और राइट इट्स फंक्शन, फंक्शन पूछ सकते हैं, मतलब या तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा कि बैंक क्या होता है। अगर आप इन दोनों दोनों क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर की जरूर वहां मिलेगा, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो और में एक क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 क्या है, क्या समझते हो आप इससे और इसके फीचर्स क्या है। यूनिट नंबर फर्स्ट की क्लियर हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, बैंक क्या होता है, और इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 क्या होता है। आपको वहां दो क्वेश्चन और में और एक इसमें आपको वहां मिल जाएगा। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं, यूनिट नंबर सेकंड जो आपकी सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करिए, इसके फीचर्स बताइए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये बताइए, ठीक है। और मैं आपको पूछा है डिस्कस वेरियस इनोवेशंस इन बैंकिंग सेक्टर, कि बैंकिंग सेक्टर में कितने अलग अलग इनोवेशंस हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उन्हें डिस्कस करिए, ठीक है। आपको ये दोनों क्वेश्चन करना है, ज़्यादातर आपको यूनिट नंबर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, यूनिट नंबर थर्ड जो आपकी लास्ट सेकंड यूनिट है, जिसमें मैंने जो दो क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स बताइए और कौन कौन से इश्यूज है इस सिस्टम में वो बताइए। समझ में आया आपको कि इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम तो आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, कि आप इससे क्या समझते हो, इसके फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स है, क्या क्या इश्यूज है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और मैं है कि इंडियन मनी मार्केट क्या होते हैं, इसके फीचर्स, डीमेरिट्स और सजेशन बताइए कि आप जो इसमें जो कमियां हैं इंडियन मनी मार्केट में, उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो, उसमें सजेशंस देने। तो यूनिट नंबर थर्ड आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई जल्दी से जल्दी में देने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। अब यूनिट नंबर फोर्थ की बात की जाए तो यूनिट नंबर फोर्थ में दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है डिस्कस द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, और में बनता है कि आप क्या समझते हो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और सर्विसेज से, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाए। अब हमेशा की तरह मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको इनमें से कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, जिससे आप क्या कर सको, एक सेफ स्कोर अचीव कर सको एग्जाम में। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको बैंक क्या होता है, इसके फंक्शन बताइए, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में तो ये आपके क्वेश्चन वहाँ जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला करना है पहले, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड की बात की जाए तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वाला करना है,
ठीक है, ये बाद में कर सकते हो आप मनी मार्केट, पर आपको इसे भी करना है, पर मैंने बोला है जो पहले करना है आपको ये वाला करना है, ठीक है। और फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ में आपको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बताई जाए तो सबसे पहले ये वाला करना है आपको, फिर ये वाला करना है, ठीक हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। या अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे है कॉमर्स विथ मी के नाम से, वहाँ आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो रिलेटेड बी कॉम स्ट्रीम। अगर आप फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो या फाइनल से हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपको आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।